उत्तर प्रदेश के हाथरस में भोले बाबा के सत्संग में उमड़ी भीड़ में मची भगदड़ में 100 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की भी एक महिला जो कि ग्वालियर के रहने वाली है, उनकी भी इस भगदड़ के दौरान मृत्यु हो गई है। ये जानकारी खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया के जरिए साझा की है। पूरा मामला क्या है, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में हम बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी तक और मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। पूरे देश में उस वक्त कोहराम मच गया जब हाथरस से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें एक सत्संग में उमड़ी भीड़, इस कदर भीड़ उमड़ी कि वहां पर आपको बता दें कि स्टैम्पीड यानी कि भगदड़ मच गई। इस भगदड़ की चपेट में सैकड़ों जान आ गई, क्या महिला, क्या पुरुष और क्या बच्चे, 100 से भी अधिक लोगों की मृत्यु इस हादसे में हो गई है। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से भी कई श्रद्धालु इस सत्संग को अटेंड करने के लिए पहुंचे थे, जिसमें एक महिला जो कि ग्वालियर की रहने वाली है, उनकी भी इस भगदड़ में मौत हो गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जानकारी साझा की है। उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में कल सत्संग के दौरान भगदड़ में ग्वालियर की हमारी बहन रामश्री धर्मपत्नी दयाल सिंह जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर की कृपा से सत्संग में शामिल होने गई मध्य प्रदेश की 3 अन्य महिलाएं सकुशल हैं। हम स्थानीय पुलिस प्रशासन से संपर्क में हैं। बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को मोक्ष प्रदान करें और शोकाकुल परिजनों को गहन दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंगलवार को बड़ा हादसा हुआ था। जिले के फुलराई गांव में भोले बाबा का प्रवचन कार्यक्रम था। इस दौरान समापन के बाद अचानक भगदड़ मच गई। इस कार्यक्रम में शामिल होने आए 100 से भी अधिक लोगों की मृत्यु इस हादसे के दौरान हो गई है। आपको ये बता दें कि हाथरस में यह हादसा उस वक्त हुआ जब सूरज पाल उर्फ भोले बाबा का सत्संग यहाँ पर चल रहा था। जब वो सत्संग खत्म करके निकले, उसके बाद जो भीड़ है उनके बीच में भगदड़ मच गई जहां पर यह हादसा हुआ। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच हो रही है, लेकिन मरने वालों की संख्या जो है वो 100 के पार पहुंच गई है, जिसमें से एक मध्य प्रदेश की भी है। इस मामले पर जो भी अपडेट होगा वो एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश तमाम खबरों के लिए बने रही है एमपी तक के साथ।